हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा एयरफोर्स 65 ग्रुप एंड नेवी SSR का जीके का मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम दो पार्ट ऑलरेडी आप लोग के लिए अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये मेरा पार्ट 3 नंबर का मॉक टेस्ट है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में टोटल मैं आप लोग को 20 क्वेश्चन कराऊंगा और 20 क्वेश्चन से जुड़े हर एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कराऊंगा। यानी टोटल 20 से 40 क्वेश्चन आप लोग को हम करवा दूंगा। तो इसलिए हम कहते हैं फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी कोई वीडियो कराऊँ फ्रेंड्स, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जापान की राजधानी कहाँ है। तो जापान की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग कहेंगे सर जापान का राजधानी आपका टोक्यो में, ऑप्शन नंबर बी। अब बात कर ले फ्रेंड्स कि टोक्यो में कौन सा मुद्रा चलता है, जापान में कौन सा मुद्रा चलता है। तो जापान में कौन सा मुद्रा चलता है फ्रेंड्स, जापान में ईएन मुद्रा चलता है। और बैंकॉक किसकी राजधानी है फ्रेंड्स, तो बैंकॉक आपकी थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक। और इसमें कौन सी मुद्रा चलता है, इसमें बहत चलता है, कौन सा चलता है, बहत। और मास्को किसकी राजधानी है फ्रेंड्स, तो मास्को आपका रूस का राजधानी क्या है, मास्को है। और बीजिंग किसका राजधानी है फ्रेंड्स, बीजिंग किसका राजधानी है, तो बीजिंग आपका चीन का राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पवन की गति किस यंत्र से मापा जाता है। तो पवन की गति किस यंत्र से मापा जाता है फ्रेंड्स, तो पवन का गति आपका एनीमोमीटर से मापा जाता है। क्या मापा जाता है, एनीमोमीटर से। बात कर ले फ्रेंड्स ऑडियोमीटर से किसको मापा जाता है, तो ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। और एयरोमीटर से किसको मापा जाता है फ्रेंड्स, तो एयरोमीटर से आपका वायु का गैस का भार या फिर वायु का घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है, गैस का भार या फिर वायु का घनत्व को मापा जाता है, किससे, एयरोमीटर से। और अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है फ्रेंड्स, तो अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को मापा जाता है। जैसे विमान इतना ऊंचाई में उड़ रहा है तो उसको हमको मापना है कि विमान कितना ऊंचाई में उड़ रहा है, तो उसको किस कौन सा यंत्र से मापेंगे, तो उसको अल्टीमीटर से मापते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बर्मा की मुद्रा क्या है। तो बर्मा की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, क्या। तो बर्मा की मुद्रा क्या है, कयात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे फ्रेंड्स, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कथकली कहाँ की नृत्य है। तो कथकली कहाँ की नृत्य है फ्रेंड्स, आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा, राजस्थान, उड़ीसा, केरल या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, केरल का नृत्य क्या है, कथकली। केरल का एक और नृत्य होता है फ्रेंड्स जो आपका एग्जाम में आता है, क्या होता है, ओट्टम। क्या होता है, ओट्टम, जो है आपका एग्जाम में कई बार भी पूछा गया है। केरल का एक नृत्य और होता है कथकली और ओट्टम। बात कर ले फ्रेंड्स राजस्थान की प्रमुख नृत्य कौन है, तो राजस्थान का झूमर है। और कर्नाटक का कौन है फ्रेंड्स, कर्नाटक का यक्षगान है। क्या है, यक्षगान। और बात कर ले फ्रेंड्स यहाँ उड़ीसा का प्रमुख नृत्य कौन है, तो उड़ीसा का नृत्य आप लोग जानते होंगे कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। क्या है, ओडिसी। और एक यहाँ का और नृत्य है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सवारी। क्या कहते हैं, सवारी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है। तो निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है फ्रेंड्स, तो ये चेन्नई जो है वह प्राकृतिक बंदरगाह है। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा बंदरगाह आपका मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो भारत का समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए 3.5 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 4.5 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 5.5 घंटा एंड ऑप्शन नंबर डी 6.5 घंटा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5.5 घंटा भारत का समय ग्रीनविच समय से आगे है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेलीविजन का आविष्कारक कौन थे? तो टेलीविजन का आविष्कारक कौन थे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, जेएल वेड। आप लोग का जितना स्कोर आता है फ्रेंड्स हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मेरा इतना स्कोर हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग जानते होंगे, ये विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स, रतौंधी। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स, अस्कर्वी। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स, जनन क्षमता में कमी। क्या होता है, जनन क्षमता में कमी किसके कारण होता है, विटामिन ई के कारण में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो तमाशा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल या झारखंड। तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग फाइंड आउट कर नहीं होंगे, इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तमाशा प्रमुख नृत्य है। महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य होता है फ्रेंड्स जिसे क्या कहते हैं, लावणी कहते हैं, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लावणी भी महाराष्ट्र का प्रमुख लोक नृत्य है। और बात कर ले फ्रेंड्स कि गुजरात का नृत्य कौन कौन सा है, तो गुजरात का आपका है गरबा और डांडिया। गुजरात का नृत्य कौन कौन सा है, गरबा और डांडिया। जैसे डांडिया आप लोग जानते होंगे, गरबा और डांडिया कहाँ का नृत्य है, गुजरात का। और पश्चिम बंगाल का नृत्य का बात करें तो पश्चिम बंगाल का नृत्य कौन कौन सा है, जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक है काठी, क्या है काठी कहते हैं, और एक होता है गंभीरा, क्या कहते हैं, गंभीरा। और बात कर ले फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यानी झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य कौन है, तो झारखंड का नृत्य है फ्रेंड्स छऊ, क्या कहते हैं, छऊ या फिर सरहुल, क्या कहते हैं, छऊ या सरहुल। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील, ऑप्शन नंबर बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर सी टेंगानिका झील एंड ऑप्शन नंबर डी सुपीरियर झील। तो आई होप कि आप लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर नहीं होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील जो है फ्रेंड्स विश्व की सबसे गहरी झील है। और बैकाल झील कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो यह रूस के साइबेरिया के दक्षिण के क्षेत्र में है, रूस के साइबेरिया क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है। और बात कर ले फ्रेंड्स कि इसका लंबाई कितना है, तो बैकाल झील की लंबाई आपका 636 किलोमीटर है। कितना है, 636 किलोमीटर इसका लंबाई है, किसका, बैकाल झील का। और बात कर ले फ्रेंड्स इसका गहराई कितना है, तो बैकाल झील की औसत गहराई 744.4 मीटर है। कितना, 744.4 मीटर बैकाल झील की औसत गहराई है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, जे जे थॉम्सन, जेम्स चैडविक्स, अर्नेस्ट रदरफोर्ड या हनवा स्ट्रेसमन। तो आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग फाइंड आउट किए होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे फ्रेंड्स या परमाणु के नाभिक की खोज की थी, यानी न्यूक्लियर की खोज किए थे। और इन्हें क्या कहा था फ्रेंड्स, इन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स का पिता कहा जाता है, मतलब नाभिकीय भौतिक का जनक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, नाभिकीय भौतिक का जनक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिक का जनक कहा जाता है। और फ्रेंड्स आप लोग इनके बारे में एक बात और जानिए, वर्ष 1908 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किन्हें किया गया था, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को वर्ष 1908 ईस्वी में नोबेल के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है फ्रेंड्स, आयरलैंड से लिया गया है। किससे लिया गया, आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है फ्रेंड्स, आई होप कि इसका राइट आंसर आप लोग को पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट पिछले वाला क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किससे लिया गया फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि ये होगा, पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया। किससे लिया गया, रूस से लिया गया, आप लोग सुधार लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं, पहले हम आप लोग को क्या बताए थे फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरा वीडियो रोज देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, जिसे हम छू सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। मतलब जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो देखिए, प्रोसेसर चिप को हम छू सकते हैं इसलिए यह हार्डवेयर हो गया, कीबोर्ड को हम छू सकते हैं इसलिए यह भी आपका हार्डवेयर हो गया,
प्रिंटर को हम छू सकते हैं, इसलिए ये भी मेरा हार्डवेयर हो गया। लेकिन जावा लैंग्वेज है फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ इसको हम देख सकते हैं। वो भी कहाँ देख सकते हैं? सिस्टम के अंदर में, कि सिस्टम में हम जो भी इनपुट करते हैं तो वो जावा लैंग्वेज में आता है, उसे क्या कहते हैं? जावा लैंग्वेज, यानी ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए 2017, ऑप्शन नंबर बी 2018, ऑप्शन नंबर सी 2019 एंड ऑप्शन नंबर डी 2020। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2019 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर आई होप कि आप लोग को पता होगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप लोग को कई बार करवा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग को हम कई बार करवा चुके हैं। अगर आप लोग मेरा रोज वीडियो देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था फ्रेंड्स? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस, या फिर आंदोलन नेतृत्व विहीन था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था फ्रेंड्स, यह आंदोलन नेतृत्व विहीन था, इसका नेतृत्व कोई नहीं कर रहे थे। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स, तो इसे एक लाइक कर दीजिए एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो कराऊं फ्रेंड्स इसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर इस वीडियो को आप लोग पीडीएफ चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इन वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स काफी काफी धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।